नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड के सबसे बड़े YouTube न्यूज चैनल लाइव सीरीज को और मैं हूं आपके साथ प्रियांक सौरभ। खबर झारखंड के रांची से है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के प्रत्याशी सुबोध कांत सहाय ने नामकुम प्रखंड में आज चुनाव प्रचार के लिए चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, पहले आप सुने। 18 वर्ष शासन के हो गए झारखंड बने हुए, भाजपा इसमें 15-16 वर्ष राज्य और उसने इस राज्य को एक कंगाल, एक गैर जिम्मेदार और जहां लोग एक पैसे का निवेश करने के लिए तैयार नहीं है, आज सारे उद्योग यहां बंद हो गए, बिखर गए, आर्थिक और सामाजिक सारी ढांचा यहां का खत्म हो गई। ये मोदी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे हुआ है और झारखंड में रघुवर के नेतृत्व में झारखंड को बर्बाद करने का काम। इसलिए इतना हमारा ये संघर्ष करने का तरीका पहले दिन से अख्तियार किया था, वो स्थानीय और लोकल और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दोनों का समावेश होना चाहिए। ये नहीं कि राष्ट्रीय नेता बन गए तो हवाई हो गए, जमीन से रास्ता टूट गया। तो मेरा जितना गली और चौराहे से रिश्ता है, उतने ही हमारी अगर राष्ट्रीय राजनीति में है तो भी मेरा सौभाग्य रहा है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से भी रिश्ता रहा है। आज झारखंड में इस राज्य को एक कायदे का नेता नहीं मिला है जो इस राज्य को उठा पाता। छत्तीसगढ़ देखिए कहाँ से कहाँ चला गया, उत्तराखंड कहाँ से कहाँ चला गया, ये तीन राज बने थे झारखंड मिला के और झारखंड राज कटोरा लेके घुमा चल रहा है, जिसके पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पूंजी है, हमारे पास रत्न गर्भा है, लेकिन हम उसके बाद भी हमारे यहाँ भूख से 19 लोग मर जा रहे हैं, हमारे यहाँ किसान आत्महत्या कर रहा है, ये लड़ाई लड़ना। तो जैसा कि आपने सुना, सुबोध कांत सहाय ने इस दौरान केंद्र सरकार, राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने झारखंड के विकास को लेकर भी मुद्दा उठाया, कहा है एक तरफ जब झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड अन्य राज्यों से अलग हुए थे, तब छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड काफ़ी विकसित हो गए हैं, जबकि झारखंड में लूट बना हुआ है, लूट खसोट हो रही है, यहाँ पे गुंडागर्दी चरम पर है। देश दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लाइव सीरीज के साथ बने रहें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द सब्सक्राइब करें और हर छोटी बड़ी खबर को विस्तार से पढ़ने के लिए liveCities.in पर जरूर जाएं। धन्यवाद।